back to our channel. Welcome to our channel. So, meet our lady. खड़ी का मासी. मासी. और येरा बेटा. साइडो. साइडो साइडो. ये देख. येरा बेटा. येरा मासी. भाई जो आके चढ़ा है ना इसपे. अलग. Obviously उसी की मासी. मैं अपनी मासी थोड़ी बोल रही हूँ. मासी क्यों बुला रही है? No, my मासी. She is a good, very good friend. By the way, आज इनकी विजिट जो है, it's a special visit. स्पेशल विजिट जिसे कहते हैं वो लेके आई है. ये जो हमने यहाँ पे साइड में रखा है वो दिखा दे क्या लेके आई है. वेरी स्पेशल फॉर अस. एक्चुअली ये एक ऐसी चीज है जो हमारी ईयरली रिचुअल होता है ना. जैसे ये देखो ओहो शीर खुरमा. इट्स ईद स्पेशल. इट्स अ ईद स्पेशल विजिट. ये हमारे घर पे एग्जैक्ट काउंट करके 3 से 4 बार आती है साल में. एक दिवाली जो फिक्स है, एक होली में हम बाहर मिलते हैं, एक ईद के दिन ये शीर खोरमा बनाती है, एंड बर्थडेज आर ऑप्शनल. कहीं और मिलते हैं हम. हर जगह अलग अलग अलग. 3 लोग 3 बर्थडे 3 अलग जगह. तो यस, इस टाइम ये हमारी अलग विजिट. बाय द वे कैसे लग रही है लड़की हमारी? ओह ऐसे देख लो. ओह फुल दिखाना ज्यादा बनता है. That's her ईद लुक. एंड यस, इसको हमने बांध इसलिए रखा है क्योंकि ये अपनी पहली गर्लफ्रेंड पे चढ़ चढ़ के इतनी सुसू मचा दी है इसने पूरे घर पे कि हमें उसे एक्चुअली बांधना पड़ गया. तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद क्योंकि इसे निकालना है. ईद मुबारक गाइस. तो एक्चुअली अभी वीडियो कॉल पर भी बात हुई है, तो वीडियो कॉल पर भी हमने ईद मुबारक कर दी है. एंड शीर खोरमा जिसको खाना होगा, जिसके नसीब में होगा, उसे मिल जाएगा. या नहीं होगा तो वो सारा मेरे अंडर होगा. तो दैट्स टोटली ओके. सी यू गाइस. मिलते हैं थोड़ी देर बाद. बताओ कुछ चीजें आखिरी बार करना इतना मुश्किल क्यों होता है? आखिरी गुड बाय, आखिरी पैकिंग, आखिरी बार निकलना, बहुत सारी चीजें. सो अब हो रही है मेरी आखिरी पैकिंग. जैसे कि मैंने सुबह ही बताया आपको कि आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे. आखिरी ब्रेकफास्ट तो आपने देख ही लिया, अब आखिरी पैकिंग चल रही है. आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, बट एक्चुअली इट्स बिट हार्ड. ये है मेरी आखिरी पैकिंग और ये है मेरा बच्चा. अच्छा छोड़े चले चलो 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 चलो. भाई साहब एक्साइटेड ही नहीं हो रहा ये तो, इसको क्या हो गया? अच्छा चले चलो रिक्शा में जाएंगे. ओह माय गॉड, जीरो एक्साइटमेंट. मैं बच्चा. सो गाइस यस, ये जो अभी आप सामान देख रहे हो दैट्स माय लास्ट थिंग. एंड यस, कुछ ही टाइम में आई विल बी आउट ऑफ दिस हाउस. एंड कहाँ जाऊँगी नहीं पता. एंड ज़्यादा पूछना मत क्योंकि मुझे नहीं पता. तो नहीं पता क्यों नहीं पता, देयर इज़ नो रीज़न. ओह ये अच्छी लग रही है. ऐसा एक फ्रेम लग रहा है ना, बना हुआ फ्रेम बना हुआ लग रहा है ये. ओह वाह, ऐसे मिनिएचर फ्रिज क्यों लग रहा है मुझे पीछे. सारी चीज़ें छोटे छोटे लग रही थी. इतनी से हाँ. दिन कुछ अजीब स्टार्ट हुआ आज का मेरा, पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इट्स लाइक चीज़ें हो जाती है ना यार. वो कुछ मूवीज़ के डायलॉग याद आ जाते हैं कभी कभी. क्यों ये आखिरी गुड बाय इतना हार्ड होता है? किसी ने मुझे आज का कमेंट में रीड कर रहे थे, क्यों इतनी ओवर एक्टिंग करते हो, क्यों घुमा फिरा के बातें करते हो. तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैनल है, मज़ा आता है मुझे. एंड ओवर एक्टिंग तो हमेशा से है, तो आप लोगों को पसंद है, नहीं है तो भी एडजस्ट तो कर ही लेते हो आप, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. जिनको फ़र्क पड़ता है गाइज दैट्स टोटली अपॉन यू. तो अगर आपको झेलना है आप मुझे झेल सकते हो, नहीं झेलना है तो इट्स वेरी इजी. तो अब ये मेरी ओवर एक्टिंग है या मेरी नॉर्मल लाइफ है या मैं एक्टिंग कर रही हूँ, दैट्स ऑल अपॉन यू. जैसा आप देखो जैसा आप बोलो. एंड किसी को मेरे आई थिंक बोलने से बहुत प्रॉब्लम है, तो यस आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए एंड आई थिंक कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक आपको चले जाना चाहिए. सो नॉट टू वरी. एंड यस, किसी ने मुझे ऑलरेडी टास्क दिया है कि आपको एक लाइन बोलनी है अपने गांव की भाषा में. सो बेसिकली बहुत ही क्लियरली लाइन में बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता व्हाट इज़ गांव की भाषा. मम्मी मेरी पंजाब से, पापा मेरे रांची से, तो अगर मैं रांची की भाषा में बोलूँ तो ऐसा कुछ, मतलब सीरियसली बोलूँ मुझे भाषा आई मीन लैंग्वेज यूज़ करना समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ. होर दसो किद्दा चलें असी.
हुण मैंने थोड़ी पैकिंग करनी है उहदे बाद असीं वेखदे हां की करना की नहीं, तो बने रहे एंड यस गो फॉर द टास्क गाइस। इट्स टाइम टू लीव दिस हाउस। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा बहुत कुछ बोल सकते हैं। आई मीन एक घर से हर चीज़ जुड़ी होती है, तो हर एक के लिए अपना घर उसका बहुत मैटर करता है, हर एक के लिए। इट्स नॉट जस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स नॉट जस्ट ऑस्कर। सो आशु कम हियर, आशु इधर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, इधर आओ मैं बच्चा। तो यस, अभी जस्ट मैं एक्चुअली लास्ट लाइव आई थी, तो मुझे चाहिए था कि मैं लाइव आऊँ। और ये मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा, भाई देखो उसने हाथ कैसे रखा है। तो यस डोंट वरी, आगे दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इससे मिलने वाली नहीं हूँ, ये मेरे से मिलता रहेगा, ये मेरा बच्चा है, मेरा लल्ला है। ओ वाह, इससे याद आया कि मेरा चार्जर यहाँ पड़ा है। ओ नाइस, अच्छा थैंक यू। मेरा बच्चा, अले मेरा बच्चा बस। तो गाइस यहाँ से मैं कहाँ जा रही हूँ? That's still a surprise for me too. So let's go out and then find out. वो आपको तो नहीं पता चलेगा, but मुझे ज़रूर पता चलेगा, because कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये आपको नहीं पता चलेगा। आप लोगों को मेरा एक्चुअल ठिकाना तब पता चलेगा जब मैं एक्चुअल वाला शिफ्ट हो जाऊँगी। तब तक के लिए मेरे सारे व्लॉग बाहर से बनेंगे। मैं कहाँ हूँ, कब हूँ, कहाँ कैसे हूँ, वो किसी को भी नहीं पता चलेगा। वाओ, सीक्रेट सरप्राइज फॉर मी, फॉर माय पीपल। एंड डोंट वरी, बच्चा नहीं हो यार, आई नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो कीप सपोर्टिंग एंड बच्चा, मिलते हैं गाइस दूसरी जगह, दूसरी शहर, नहीं दूसरी शहर नहीं, शहर तो यही रहने वाला है, तो दूसरी जगह। गाइस लाइट है, तो आ चुके हैं बाहर, चीज़ें मेरी सेटल हो चुकी है। कहाँ थी, कहाँ गई, कहाँ रखी, सब हो चुका। इसका कोई आंसर नहीं देने वाली मैं, दो खास भी बच्चा नहीं हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट आई ट्राई की, मैंने ईयरफोन तो लगाया बट उसमें मैं बाहर हूँ। और रात के बज रहे हैं पूरे के पूरे 12:12:12। तो ये है मेरे आज के लिए, दो कॉफ़ी और एक बर्गर। और डोंट आस्क मी कि ये दो कॉफ़ी क्यों है, दूसरा कौन है, क्या है, कैसे है। तो सामने वाली चेयर अब तक खाली है, तो आई डोंट नो, लेट्स सी, अगर कोई आ गया तो सही, और नहीं आया तो दो कॉफ़ी किसकी है, पता लगाओ ये दूसरी कॉफ़ी किसकी है आखिरकार। थोड़ा बहुत देर में पेट पूजा कर लूँ, बाद में काम पूजा करेंगे। तब तक के लिए मैं ऐसे फोन नीचे करके दिखाने वाला हूँ, बिकॉज़ कहूँ ओके गाइस। तो डेट हो चुकी है कंप्लीट, कॉफ़ी हो गई खत्म, दो कॉफ़ी एक बर्गर, क्या सीन था। तो यस, कौन था, क्या था, कैसा था, वो तो वक्त बताएगा। और जहाँ तक बात रही मैं अभी कहाँ हूँ, स्टिल इन मुंबई, डोंट वरी अबाउट इट। पापी पेट का सवाल है ब्रो, ऑफिस नहीं छूट सकता। तो यस, कल से बैक टू ऑफिस, ऑफिस लाइफ क्या होगी, कैसे होगी, मन तो बिल्कुल भी नहीं है जाने का, बट स्टिल करना पड़ेगा, दूर चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट आई विल ट्राई कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। और इसी के साथ ये वाला ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आपको करना लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन का सबके लिंक।